Hello everyone, how's it going all? This is Swarna. Welcome back to my channel, The Glam Mom. So guys, today I'm really excited because I'm going to share a Meesho clothing haul. So आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ Meesho की तरफ से कुछ कुर्ता sets as your request. So guys, if you're new to my channel, my name is Vandana Best. My channel name is The Glam Mom. I create content related to lifestyle, shopping hauls, some saree videos and kids videos. So if you like my content, please subscribe to my channel, like this video and press the notification bell button. सो गाइज टुडे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये चार कुर्ता सेट्स. डोंट फॉरगेट टू वॉच माय होल वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आता चाहे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइज लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो. माई फर्स्ट एवर Meesho क्लोथिंग हॉल मैं आज लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड अगर आपने अभी तक Meesho ऐप डाउनलोड नहीं करा है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके थ्रू आप Meesho ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा. उससे क्या होगा कि आपको अपनी पहली परचेज में मिलेगा 100 रुपीज़ का ऑफ या 30% ऑफ. ठीक है. सो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चार कुर्ता सेट जो कि मेरे फेवरेट है. जो फर्स्ट कुर्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ इट जस्ट वाओ. एंड इतनी अच्छी क्वालिटी एंड इतना अच्छा फैब्रिक जो बोला गया था कि कॉटन है, सेम कॉटन आया है. तो आई थिंक ये आप लोगों को भी ले लेना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फॉर द वाइट सूट. सो जो फर्स्ट सूट है वो है ये वाला. आपने इस जो ये वाला सूट है ना इसकी फोटो आपने देखा होगा, जानवी कपूर ने पहन करके दिया था एंड उसी का रिप्लीकेशन ये लोग बना देते हैं रेप्लिका. सो जो ये सूट है ना गाइस इतना मुझे पसंद आया है ना, मुझे वाइट सूट चाहिए था प्योर कॉटन का. एंड इसके साथ अच्छी बात है कि इसका दुपट्टा भी तो कम्प्लीट मिल जाता है. इसका प्राइस है 585. आजकल स्टिचिंग ही इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो गई है तो 585 में आपको एक कम्प्लीट सूट मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए, राइट. सो इस सूट के अंदर आपको मिलते हैं 3 पीस. ये है इसका प्लाजो सेट, ये है इसका दुपट्टा एंड दिस वन इज़ कुर्ता. तो कुर्ता बहुत ही अच्छा है, प्योर कॉटन है जैसे कि हमें समर्स में चाहिए होता है. सो गाइस देख सकते हैं आप उत्तम क्वालिटी का कॉटन है एंड दिस कुर्ता इज़ अमेजिंग. आप देख सकते हैं इट्स अ प्योर कॉटन कुर्ता एंड आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फैब्रिक है एंड द प्रिंट इज़ रियली रियली गुड. आँखों को बहुत अच्छा सूदिंग इफेक्ट देते हैं. प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल है, समर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट. ठीक है. तो इस कुर्ता सेट के साथ आपको मिलेगा ये छोटा सा राउंड नेक मिलेगा इसमें एंड इसके आगे आपको इस टाइप से आपको बटन्स मिल जाते हैं. ये इसकी फिनिशिंग है. 3/4 इसकी स्लीव्स आपको मिलेगी एंड होल कुर्ता ये आपका आएगा स्ट्रेट फिट में. ठीक है, स्ट्रेट कुर्ता है एंड इसकी सिल्ट भी जैसे सिल्ट होती है उसी टाइप की सिल्ट आपको मिल जाएगी इस तरीके से. ठीक है. ऑल ओवर आपको ये कुर्ता प्रिंटेड मिलेगा. बैक में भी आपको देख सकते हैं ये बैक है एंड ये फ्रंट है तो सेम आपको ये मिलेगा. सो ये इसका कुर्ता सेट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अगर आप भी ढूंढना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. इसका प्लाजो जो है बहुत ही अच्छा है एंड द मेन पार्ट इसका प्रिंट. तो प्लाजो के डाउन में आपको ये प्रिंट मिल जाएगा. सो इसका प्लाजो में ये मैंने मीडियम साइज़ का मंगाया. अगर आपको मीडियम साइज़ आता है तो आप मीडियम साइज़ ही मंगाइएगा. सो इस टाइप का आपको ये इलास्टिक मिलेगा अपर साइड से एंड होल ब्यूटीफुल तरीके से प्लाजो बना है. नीचे आपको ये डिज़ाइनिंग मिल जाती है. सी 4 पैटर्न से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड कंट्रास्ट है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उसको पहनने के बाद. एंड प्लाजो भी बहुत अच्छे से स्टिच किया गया है. सो ये इसका प्लाजो सेट है. प्लाजो भी आपको ये प्योर कॉटन मिल रहा है, कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है कि फैब्रिक में कोई मतलब मिक्स्ड है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है. एंड द मेन पार्ट है इसका दुपट्टा. आई जस्ट लव दिस दुपट्टा गाइस. इट्स अ प्योर मुलमुल कॉटन दुपट्टा जैसे आपको चाहिए होता है. सो ये वाले दुपट्टे या इसका जो प्लाजो है आप किसी और कुर्ते के साथ भी डाल सकते हैं, राइट. सो इसका जो दुपट्टा है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. सो इस दुपट्टे की क्वालिटी देखो कितनी खूबसूरत क्वालिटी है. इस टाइप के ही कपड़े आपको गर्मियों के लिए चाहिए होते हैं ना. सो ये प्योर मुलमुल है. इसके साइड से थोड़ा सा ये लेसेस लगी हैं. सो ये आपको वाइट लेस मिल जाएगी. इसकी जो स्टिचिंग है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको एक बार इसको स्टिच करना पड़ेगा अगर आप इसको ले लेते हैं. सो इस टाइप से आपको दोनों साइड इसकी लेस मिलेगी. बाकी कुर्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसके साथ जो ये दुपट्टा है ना, आई जस्ट लव दिस वन. सो या ये है पहला कॉटन दुपट्टा
कॉटन सूट आप इसको बोल सकते हैं. सो या ये कुछ आपको इस तरीके से. गाइज ये था पहला कुर्ता सेट. आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट बिकॉज इट फैब्रिक बहुत अच्छा है, प्रिंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा है एंड बहुत अच्छा रहेगा आपके समर्स के लिए. ठीक है, सो अगर आप लेना चाहें तो आप ये लुक ले सकते हैं. लिंक बार कोड मैं इनके डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने सेकेंड कुर्ते की तरफ. तो सेकेंड कुर्ता है वो भी गाइज बहुत ज़्यादा सुंदर. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कुर्ता सेट. तो सेकेंड कुर्ता सेट है मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज ऑफ इट्स इंडिगो प्रिंट. आपको अगर मेरे चैनल पे आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे इंडिगो साड़ी, इंडिगो प्रिंट्स कितने ज़्यादा पसंद है. सो इस कुर्ता सेट में अगर आपको इतने मिल रहा है तो और क्या अच्छी बात होगी. तो मीशो के अंदर मुझे मिला है कुर्ता सेट जो कि है बहुत ज़्यादा प्रिटी एंड आई जस्ट लव दिस वन. इसका फैब्रिक भी कॉटन है. इसका प्राइस है 475 एंड इसमें आपको मिल रहा है कुर्ता विद प्लाजो. ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं इसके कुर्ते की. कितना प्यारा कुर्ता है. सो आई जस्ट लव इंडिगो प्रिंट गाइस. आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इसमें इंडिगो जो कलर आया है ना, कितना खूबसूरत कलर आया है. सो ये भी मैंने मंगाया था मीडियम साइज़ में बट वो हल्का सा मेरे को वेस्ट से टाइट हो रहा था तो मैंने एल साइज़ मंगाया है. एल थोड़ा सा लूज़ है बट इट्स परफेक्टली ओके. ये थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा, थोड़ा सा लूज़ आया था बट मीडियम थोड़ा सा टाइट था तो मैंने ये मंगाया. सो इस तरीके से आपको सूट मिलेगा. देखो कितना खूबसूरत प्रिंट है. जिस तरीके से मेरी इंडिगो साड़ी है कुछ उसी तरीके का है. सो इसमें भी आपको मिलेगा ये छोटा सा बोट नेक. इधर आपको ये प्रिंट मिल जाते हैं तो जो ये वाला प्रिंट है ये कंट्रास्ट है इसका प्लाजो के साथ. 3/4 भी इसकी स्लीव्स हैं. नहीं 3/4 नहीं, इसकी स्लीव्स पूरी हैं. स्लीव्स के एंड में भी आपको ये छोटा सा डिजाइनिंग मिल जाता है कि तो ताकि जो ये इसका प्लाजो है ये इसको कंट्रास्ट कर सके. राइट, सो सेकंड भी आपको इस तरीके से मिलेगा. होल कुर्ती है आपकी, स्ट्रेट फिट की कुर्ती है. सिल्ट इसका सब मुझे छोटा है बट अगर आप बड़े सिल्क पहनना चाहते हैं तो आप बड़ा करवा सकते हैं पर छोटा भी चल जाएगा. ठीक है, सो ऑल ओवर आपको सेम प्रिंट मिल रहा है. बहुत ही खूबसूरत कुर्ती मुझे ये लगी है. इसका कलर, फैब्रिक, ईट, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छी है. आई जस्ट लव दिस वन. सो मैं ये तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ. जो पहले वाला भी दिखा था वो भी काफ़ी अच्छा था. सो गाइज इसके साथ मिलेगा आपको कंट्रास्टिंग प्लाजो एंड जो ये वाले प्लाजो होते हैं ना आपके प्लेन कुर्ते के साथ भी चले जाते हैं, चाहे आप किसी के साथ भी पहन लेना. सो इस टाइप का प्लाजो है. प्लाजो भी इसका प्योर कॉटन है. सो इस प्लाजो में भी आपको कुछ इस तरीके की वेस्ट मिलेगी. बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है. काफ़ी अच्छी चौड़ाई भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. लेंथ इसकी एल साइज़ के हिसाब से भी इसकी लेंथ देखो ठीक आ रही है, मतलब इतना ढीला भी नहीं लग रहा है. कुछ इस टाइप का इसका पूरा प्लाजो आएगा. काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है. ठीक है, सो आप देख लीजिएगा. अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ले लेना. 475 में आपको दोनों चीज़ मिल रही है. सो इट्स अ वेरी ग्रेट डील इन द मीशो एंड ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा है. पहले मैं आपको ना छोटी सी बात बताती हूँ. मीशो के अंदर ना रेयॉन, आपको हर चीज़ रेयॉन की मिलेगी. सो आपको ना रेयॉन फैब्रिक नहीं लेना है. अगर आपको पसंद भी आता है तो भी नहीं लेना बिकॉज क्या होता है रेयॉन सिर्फ फर्स्ट, जब तक आप उसको फर्स्ट वॉश नहीं करते वो ख़राब नहीं होता है. जब आप उसको फर्स्ट वॉश कर लेते हैं उसके बाद उसका कलर भी ख़राब होता है, उसकी फिट भी ख़राब हो जाती है. सो आई ट्राई कि मैं सारे कुर्ते जितने भी है वो कॉटन के लूँ. ठीक है, सो ये भी है कॉटन का. आपको रेयॉन नहीं लेना, आपको कॉटन लेना है. देखने से पहले उस डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा कि कहाँ पे कॉटन लिखा है, कहाँ पे रेयॉन लिखा है. ठीक है, थर्ड चलते हैं बेसिक कुर्ते की तरफ. बेसिक इन द सेंस मुझे ये कुर्ता ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों. शायद इसका प्रिंट अच्छा था या इसका कलर अच्छा था. आने के बाद भी काफ़ी सिंपल आया है बट अच्छा लग रहा है. डेली वेयर में आप इसको अच्छे से पहन सकते हैं. अगर आप इसको ऑफिस वेयर के लिए भी यूज़ कर लें तो भी अच्छा है. सो ये भी है कॉटन का. इसके साथ आपको मिलेगा प्लाजो एंड ये है इसका कुर्ता. सो मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा. शायद इसका कलर ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा. देखने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल है बट आई लाइक दिस वन. सो ये है हमारा तीसरा कुर्ता कॉटन का. सो शायद मुझे इसकी डिज़ाइनिंग पसंद आई है बिकॉज ये ना थोड़ा जयपुरी सा लुक दे रहा है आपको, है ना. सो ये इसका है अजमेस्टिक फैशन डेस्टिनी का इसका कुछ उसमें लगा हुआ है इसमें टैग. एंड इसमें भी आपको मिल जाएंगे ये स्लीव्स. एक्चुअली ये भी आपका प्योर कॉटन का है कुर्ता, ऑल ओवर कुर्ता है. ठीक है, 3/4 इसमें स्लीव्स मिल रही है आपको एंड इस तरीके से आपको इस पर टाइट अप करने के लिए भी मिल रहा है. तो ये थोड़ा सा इसको लुक को थोड़ा इन्हांस कर रहा है. लुक कुर्ती पहनने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही है. मीडियम साइज़ की मंगाई है पर थोड़ा सा लूज़ है. ठीक है, सेकेंड तरीके भी आपको ये मिल जाएगा तो टाइट अप करने के बाद ये अच्छा सा लुक देगा. 3/4 भी आप इसको कह सकते हैं कि हाँ इसका ये है साइज़. तो स्ट्रेट फिट की कुर्ती है.
आप देख सकते हैं स्ट्रेट फिट की कुर्ती है, साइड से सिल्ट भी आपको अच्छे से मिल रहा है, बैक में भी आपको सेम प्रिंट मिल रहा है एंड ऑल ओवर कुर्ती है कॉटन की, काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, ब्रीथेबल है एंड द कलर इज सुपर्ब। ये वाला कलर्स समर्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फेस में एंड शायद मुझे इसका कलर और प्रिंट ही अच्छा लगा होगा। सो आप इस कुर्ती को अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको इसको ये ना आपको इसमें पाइपिंग भी दी गई है रेड कलर की, सो इसके साथ आप कोई भी कलर का प्लाजो भी डाल सकते हैं, लाइक पर्पल भी डाल सकते हैं एंड ये रेड भी डाल सकते हैं, तो इसके बाद काफ़ी आई लाइक दिस वन ऑल्सो। तो इसके साथ आपको मिलेगा प्लाजो एंड प्लेन प्लाजो है, अच्छा है काफ़ी, कॉटन का प्लाजो है, ठीक है, प्योर कॉटन है। आप इस प्लाजो को किसी भी और के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। जो ये वाला ब्रांड है जो भी है इसके ना साइज थोड़े से बड़े हैं मुझे ऐसा लगता है ये, क्योंकि आपको मीडियम है बट इसका साइज मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, बट इट्स ओके क्योंकि कॉटन थोड़ा बहुत श्रिंक तो होता ही है। सो उसके इस साइड में इसकी आसन में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, बट ठीक है, पहनने के बाद अच्छा आ रहा है, काफ़ी अच्छे फैब्रिक का कॉटन है एंड पहनने के बाद आपको इसमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगने वाली, इट्स ऑल समर फ्रेंडली। सो या ये है थर्ड कुर्ता सेट। सो आई होप आपको ये कुर्ता सेट भी पसंद आया, आई जस्ट लव दिस वन, इसका कॉन्ट्रास्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, है ना, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो या ये था थर्ड एंड चलते हैं अपने फोर्थ कुर्ता सेट की तरफ। सो फोर्थ कुर्ता सेट आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा, तो आई थॉट कि मैं भी मंगा लेती हूँ, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट इसमें रेयॉन ही लिखा था। सो पर जब आया है तो कॉटन का आया है एंड इसकी जो वो प्लाजो आया है इसके साथ पैंट आई है वो रेयॉन मिक्स है, ठीक है। सो आपने ये वाला कुर्ता सेट देखा होगा, सहारा अली खान की एक फ़ोटो थी उसमें था, ठीक है। सो फोर्थ कुर्ता सेट है ये वाला, इसके साथ भी आपको टू पीस सेट मिल रहा है, ये इसका प्लाजो है एंड ये इसका कुर्ता है, ठीक है। तो कुर्ते को देख लेते हैं, कलर देखना, कलर कितना प्यारा है, ऑल समर्स का कलर है एंड कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ब्रीथेबल है। समर्स में ना आपको कुछ इसी तरीके के कलर चाहिए होते हैं जो आपकी आंखों को ना ठंडक देते हैं, डार्क कलर्स ना समर्स में और ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं मुझे ऐसा लगता है। सो ये ब्यूटीफुल सा स्काई ब्लू सा कलर है, पेस्टल स्काई ब्लू आप इसको बोल सकते हैं एंड पिंक से प्यारे प्यारे इसमें फ्लावर्स बने हैं। सो इसमें भी आपको कुछ इसी तरीके का नेक मिलेगा एंड इसमें इसका डिज़ाइनिंग मिल जाएगी आपको इसकी नेक लाइन की, तो इसमें आपको ये हल्के छोटे छोटे से ना मजेंटा कलर के बॉल्स मिल रहे हैं एंड इसके स्लीव्स है 3/4 एंड प्लाजो के मैचिंग कंट्रास्ट करने के लिए इन्होंने इसी टाइप का इसमें तो चेकर्ड सा डिज़ाइन दिया हुआ गया है स्लीव्स में, दोनों साइड आपको इसे चेकर डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल ओवर कुर्ती है स्ट्रेट फिट की, सी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे कुर्ती देखने में, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आया है, मतलब आई जस्ट लव दिस वन। बैक साइड से भी ये है एंड इट्स प्योर कॉटन, देख लो रेयॉन नहीं है, रेयॉन नहीं लेना है आपको, रेयॉन ख़राब हो जाता है, लेना तो कॉटन लेना थी। रेयॉन देखने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगता है पर जब वो धुलता है तो उसकी फिट ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें सेलुलोज होता है ना, तो वो ज़्यादा देर तक स्ट्रेट नहीं रख पाता है, बट कॉटन श्रिंक होता है बट इसकी फिट ख़राब नहीं होती है, ठीक है। सो ये वाला एंड इसका जो ब्रांड है ना, जो पहला वाला जो ब्रांड था उसी से ही मैचिंग करता हुआ ये ब्रांड है इसका। देखो कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है, आंखों को बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है, आई जस्ट लव दिस वन ऑल्सो। सो इसके कुर्ते के साथ आपको मिलेगा प्लाजो जो कि है मिक्स लग रहा है मुझे, ये प्लाजो प्योर कॉटन नहीं लग रहा, पता नहीं देखने से तो कॉटन लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा मिक्स है। सो ये कॉटन है, चैकर्ड कॉटन, चैकर्ड पजामा है, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, प्रिंट एंड चैकर्ड, मतलब दोनों का कंट्रास्ट, वैसे हम एक साथ नहीं पहनते हैं प्रिंट और चैकर्ड एक साथ, इसके ज़्यादा हमेशा प्लेन जाता है वैसे, बट इसमें इन्होंने दिया है तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है देखने में एंड पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। सो या इसमें आपको मिलेगा कुछ इस टाइप का प्लाजो, प्लाजो की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसका भी जो फिट है मुझे वो थोड़ी सी लूज सी लग रही है, पर ठीक है कॉटन के मामले में थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा तो भी ऐसी है, तो कुछ आपको इतनी लेंथ मिल जाएगी एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें ना आपको क्या हो रहा है, इसमें इस साइड से आपकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, आते आते आपको ये थोड़ा सा इस टाइप का मिलेगा बिकॉज ये प्लाजो नहीं है, ये पैंट शेप का है इसका, ठीक है। सो दोनों साइड से आपको ये ऐसे मिल रहा है, तो देख लीजिएगा ये, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ले लेना। इसका प्राइस 500 समथिंग का है एंड जो पहली वाली जो ऑरेंज कुर्ती दिखाई थी उसका 400 समथिंग है, ठीक है। सो गाइस यही था आज का वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आए हैं मेरे चार कुर्ता सेट एंड अगर आपको लेना है ना तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले के जो दो मैंने आपको दिखाए हैं, एक वाइट कॉटन वाला एंड ये इंडिगो वाला,
क्योंकि मुझे इंडिगो कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. सो आई थिंक कि आप लोगों को भी ले लेना चाहिए. आई लव दिस वन. इसके साथ ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा. बहुत अच्छा है, ट्रेंडिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. ठीक है, सो यही था आज की कुर्ता सेट. आई होप आपको पसंद आया. वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलेगा एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा गाइस. आप शेयर नहीं करते ना मेरा वीडियो, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा. ठीक है, तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.